क्या कहेंगे? करने दीजिए, उनका पद है और उनकी यात्रा है, अपने पद से अपने यात्रा करते हैं, करने दीजिए। बहुत सारी पुरानी बातें और भावनात्मक चीज़ें याद आ रही है, और अपने गांव में सम्मान और अपने गांव में इज्जत और अपने प्यार, अपने गांव में प्यार हौसला बढ़ाता है। सपने बहुत हैं, वक्त बताएगा। लेकिन आप शायद पूरे होंगे, खेलते होंगे और बचपन में क्या है ये मेरे को बहुत परेशान करते थे, लेकिन अब पूरे सपने पूरे करेंगे। और बचपन में इन्हीं गलियों में पढ़ा, इन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़े, तो यादें बहुत ताज़ा हो गई। इसमें बहुत ज़्यादा भावनात्मक है। आपके इस आगमन से आपके कार्यकर्ताओं में बहुत जोश दिख रहा है। गांव में भाई होता है, गांव में चाचा होता है, गांव में बाबा होता है, किसी का स्नेह मिलता है, किसी का प्यार मिलता है और किसी का आशीर्वाद मिलता है। गांव में कोई कार्यकर्ता नहीं होता है।
अंबिका चौधरी राजू राज। राम जी को कह दिया रामाशंकर जी, रामाशंकर यादव, उदय यादव, उदय शंकर यादव प्रधान निपनिया, और हमारे एक पत्रकार जो हमारी पार्टी में शामिल हुए रोशन लाल जायसवाल, रोशन लाल जायसवाल जो हमारी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको सम्मिलित किया, माला पहनाएंगे। ये पत्रकार भी है हिंदुस्तान के और हम लोग पार्टी को ताकत देने के लिए आए हैं संघर्ष में। मुझे पूरा उम्मीद है कि 7-8-9 वाला आंदोलन आप घर घर ले जाएंगे, गांव गांव ले जाएंगे, हर बच्चे को, हर बुढ़े को, हर माँ को, हर बहन को समझाएंगे और उनसे आप अपील करेंगे कि हम अपने लिए नहीं आपके लिए संघर्ष करने के लिए सड़क पर आ रहे हैं। आज वक्त की मांग है कि आप आने वाले पीढ़ियों के लिए अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने बच्चे को बलिया में सरकारी काम काज ठप करने के लिए भेजें। और आप भी अपने गौरवपूर्ण गाथा को आप बरकरार नहीं रख पाए तो मुझे शर्म आएगा जब अगली बार हमारा नेता कोई दिल्ली से या लखनऊ से आए और हम उसके सामने फिर वही बातें दोहराएं। हम बागे बलिया के नेता हैं, हम बागे बलिया के नौजवान हैं, हम भिरगू की धरती के हैं, मंगल पांडे चित्तू पांडे की धरती के हैं। पूछेगा फिर इतना सारा इतिहास था, इतनी सारी गौरव गाथा थी, तो 7-8-9 तारीख को आप क्या कर रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, मुझे बलिया में रहने का कब आदेश देते हैं? सिर्फ 9 तारीख को मुझे गाजीपुर में नहीं, सुविधा क्या होती, संघर्ष में सुविधा थोड़ा देखा जाता है, संघर्ष में सुविधा नहीं देखा जाता है। मैं ये चाहूंगा कि मेरे लिए बहुत भावनात्मक क्षण है, अपने घर में अपने अपने लोगों द्वारा, अपने बड़ों द्वारा जिनकी आप इतनी इज्जत करते हैं, अपने छोटे द्वारा जिनको आप भाई समझते हैं, इतना सम्मान होना मुझे बहुत भाव विभोर कर रहा है। और मैं चाहूंगा कि मेरा जो सम्मान समारोह आज हुआ है, मैं इसको इसलिए नहीं याद रखूं कि बलिया में मेरा सम्मान समारोह हुआ था, मैं इसलिए याद रखूं कि बलिया में मेरे सम्मान समारोह को संघर्ष दिवस के रूप में मनाया गया था और संघर्ष ने सत्ता के नशे में चूर मायावती को उठाकर उत्तर प्रदेश से हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंक दिया था। आप सबको मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद। जिंदाबाद, 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 राजीव राय, जिंदाबाद, आजम खान राजीव राय, जिंदाबाद।